लघु उद्योग विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस के ठाकुर हमारे साथ हैं। बलिया सर भिरगू क्षेत्र में बागियों के धरती पर एक विशाल कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करें लघु उद्योग विकास परिषद के, जाने कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आज अपने लोगों के बीच वो क्या संदेश लेके आए हैं। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो कुछ अच्छा संदेश होगा, आइए बात करते हैं एस के ठाकुर जी से। सर आज का विशेष अवसर क्या है जो आज बलिया में हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि आजकल जो आपका पोर्टल है, चैनल है, इसको सुनने वाले सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम है। आप मेरे आने का जो मेन मकसद है वो जिला कार्यालय के उद्घाटन के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, और हमारे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग संचालन अभी पहले से भी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक योजना अभी चल रहा है जो बलिया में बहुत सारे गांव में जो चल रहे हैं प्रॉपर ढंग से, वो है हमारा उज्ज्वला शिक्षा मिशन व औद्योगिक प्रशिक्षण महिला विकास योजना। इसके तहत साधारण परिवार, चाहे वो मजदूर परिवार हो, किसान परिवार हो, व्यापारी परिवार हो, उद्योगकर्मी परिवार हो, उनके बच्चे को निःशुल्क 2 घंटा ट्यूशन की व्यवस्था है। दूसरा, हम उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाना, उस परिकल्पना को देखते हुए विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा स्किल का ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। उस ट्रेनिंग के प्रोग्राम के माध्यम से साधारण जो परिवार के लोग हैं, आज तक हम लोग ये सुनते आए हैं कि जापान में चाहे अन्य ऐसे विकसित जो देश है वहाँ पर हर एक व्यक्ति रोजगार से जुड़ा है, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, ये सुनते आ रहे हैं। हम करना नहीं चाहते हैं या गांव में उस तरह की व्यवस्था बन नहीं पाया है, वही हमारा एक दोहा है और वही 2 लाइन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हर घर रोजगार, घर घर रोजगार, हर घर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाने के लिए हम आए हैं, शिक्षा देने के लिए आए हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आए हैं, और ऐसे साधारण लोगों को मजबूत करने के लिए आए हैं, ऐसे साधारण लोगों को मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी का मालिक बनाने के लिए आए हैं जो कभी सपने में उन्होंने सोचा नहीं था, उनको जगाने के लिए आए हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हमारा ये है कि नहीं, साधारण परिवार के लोग भी मजबूत हो जाए, साधारण परिवार के लोग भी, एक साधारण व्यक्ति जब धीरूभाई अंबानी बन सकता है, एक मछुआरा का लड़का देश के बड़े पदों पर विराजमान हो सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि गांव में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब लोगों के पास हुनर है, उस हुनर को जो है ना पूरे देश दुनिया में फैलाने के लिए लघु उद्योग विकास परिषद काम कर रहा है। हमारा साधारण लक्ष्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करना, और इसी दिशा में जो है पूरे देश में मैं घूम रहा हूँ और लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। और कहीं से भी ये हमारा, एक चीज़ और भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हमने कहा, हमने इसलिए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हमने कहा कि प्रधानमंत्री विकास पुरुष हैं, वो यशस्वी हैं, वो विकास डेवलपमेंट चाहते हैं और हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं। जब एक विचार के लोग होते हैं ना तो नाम लिया जाता है। ये कोई भी पार्टीगत कार्यक्रम नहीं है, ये सिर्फ आम आवाम के लिए है, व्यापारियों के लिए है, मजदूर के लिए है, ऐसे लोग जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं उनके लिए है, और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के कई राज्यों में, जनपदों में मुख्यालयों पर कितनी शाखाएं हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हैं? देखिए, ये तो आपको हमारा पोर्टल है, हमारा साइट है sidcobharat.com, और लगभग जो हमारे ऑफिसेज हैं वो 29 ऑफिस है। मुझसे तो आप पूछेंगे कि आज के डेट में सिर्फ आपके एम्प्लॉई कितना ऑफिस एम्प्लॉई है, तो वो भी मैं नहीं बता सकता हूँ। उसके रीज़न है कि उसकी संख्या भी लगभग 1200-1500 होगा, और प्रत्येक दिन लोग छोड़ते हैं, जुड़ते हैं। अगर आप पदाधिकारी की बात करेंगे कि सारे जो हमारे मेंबर की बात करेंगे तो हज़ारों में मेंबर है। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप लोग ने सुना होगा आप लोगों ने, कि ग्रीन कार्ड का, हम जितनी भी सुविधाएं हैं वो ग्रीन कार्डधारी मेंबर को देते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है आज के डेट में सर, आप देखेंगे तो यहीं पे अगर हम सर्च करते हैं कि नियर बाई राइस शॉप, तो ये बड़े जो दुकानदार है, या तो स्मार्ट बाजार, कोई भी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी इससे पहले ही मेरे ऊपर एक टाइटल इसी के लिए लग गया था, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो बड़े जो कंपनी है उसका नाम आता है। आज छोटे जो किराना दुकानदार है, आप सर्च करके देख लीजिए, उसका नाम नहीं आएगा क्योंकि वो सर्च इंजन पे नहीं है। हम उसको उस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आने के लिए आए हैं। हम इसके लिए आए हैं कि आज गांव में जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, आपको सर अगर अगरबत्ती चाहिए ना, तो आप सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट और अमेजन पे कि मुझे अगरबत्ती चाहिए। आप आज के डेट में दुकान जाना नहीं चाहते हैं, और ऐसे ये प्रोडक्ट जो ई कॉमर्स साइड है, समय के हिसाब से
डिजिटल इंडिया बना है, समय के हिसाब से परिवर्तन नहीं हो पाया। आज के डेट में जो गांव में जो उद्योग करने वाले हैं उनको ये जानकारी नहीं कि कैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो इस सिडको जो है हमारा लोकल सर्च इंजन है, हमारा ई कॉमर्स साइट है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा डायरेक्ट सेलिंग का काम है। इस तरह के 67 प्रोजेक्ट है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को जो है ना मैं यहाँ पे जो है ये अरबपति और खरबपति बनाने के लिए आया हूँ। बस मैं ये इसके लिए आया हूँ कि जो चीज़ें टूट रहा है, जो लोग पलायन कर रहे हैं, हम उसके लिए आए हैं। सर आज एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ, आज माइक्रो फाइनेंस, आप गांव में घूमिएगा, जो माइक्रो फाइनेंस की जो स्थितियां हैं, जो वो एक उसका सिस्टम है, महिला को लोन देना, महिला को पहले लोन देना, उसके बाद वो स्थिति उस लेवल पे चला जा रहा है कि गांव के गांव लोग पलायन कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल लोग नहीं हूं, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप पता कर लेना सर कि गांव के गांव लोग प्लान कर रहे हैं। उसका रीजन है कि लोगों को प्लानिंग पता नहीं है। आज मेरे रात में मेरे दिमाग में आया कि मुझे इस चीज का दुकान करना चाहिए। हमें उस प्रॉफिट का ज्ञान नहीं है कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट होगा, क्या होगा, हम ट्रेनिंग नहीं ले पाए हैं। तो हमारा सिस्टम है, पहले हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, फिर उन्हें मशीन देते हैं, उसके बाद उनको रॉ मटेरियल देते हैं, फिर वो जो सामान बनाते हैं उस सामान को हम ई कॉमर्स साइट के माध्यम से, डिफरेंट सेक्टर के माध्यम से हम सेलिंग करते हैं। अभी एक सभा था, एक ऐसे ही पत्रकार बंधु थे, उन्होंने पूछा कि सर आप सभी के लिए काम करते हैं? बिल्कुल मैं सभी के लिए काम करता हूँ। तो आप मोची को क्या सुविधा दिलवा पाएंगे? हमने उनको बताया कि वो जीवन भर किसी रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी पेठिया बाजार में बैठ करके वो जूता पॉलिश करते आया है, मैं उसको जो है मशीन दे करके उसके घर में जो है ना वो जूता बनाएगा, वो चप्पल बनाएगा, और उसको ई कॉमर्स साइट के माध्यम से मैं बेचूंगा और उसको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मालिक बनाने के लिए मैं आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन कार्यक्रम चूंकि आपका बड़ा है, दूर दराज से आए हैं, फिर बात होगी आपसे। तो यश के ठाकुर साहब से बात हो रही थी, वाकई आज का कार्यक्रम बड़ा ही जानदार और शानदार है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें हमसे। बड़ी आजकल से मैं रोशन।